जल एक सार्वजनिक संसाधन। जल के उपयोग से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। एक तरफ घरेलू आवश्यकताओं की प्राथमिकता है तो दूसरी ओर खेती और उद्योग के लिए जल की ज़रूरत है। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जहां मनुष्यों और पशुओं के लिए जल की ज़रूरत का ध्यान नहीं रखा गया और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। कई बार दो राज्यों के बीच जल के उपयोग को लेकर विवाद होता है कि नदी के जल पर किसका अधिकार है और हर राज्य को कितना जल मिलना चाहिए। ये गंभीर सवाल बन जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से भूमिगत जल कृषि सिंचाई का मुख्य स्रोत बन गया है। जल के अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोग इसे सार्वजनिक संसाधन के रूप में नहीं देख रहे हैं। भूमिगत जल का दोहन निजी संपत्ति मानकर किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि भूमिगत जल किसी के खेत के नीचे जमा नहीं होता, बल्कि वह जमीन के अंदर बहता रहता है। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा जल के अधिक दोहन से दूसरे व्यक्ति को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता। दूसरों के नलकूप से गहरा नलकूप लगाकर कोई भी दूसरों को मिल रहे जल को कम कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जल पाने की होड़ में नलकूप सूख रहे हैं और भूमिगत जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। इस पर नियंत्रण करने के लिए जल को सार्वजनिक संसाधन मानने की ज़रूरत है। राज्य सरकार द्वारा जल दोहन को नियंत्रित करने के लिए कानून भी बनाए जा रहे हैं। बहता हुआ भूमिगत जल जमीन के मालिक का नहीं, सभी का है। इस समझ के बनने पर ही कुछ रास्ते निकल सकते हैं।